मंदिर में जाते हो तो हाथ में मिलता है चरणामृत, ठीक है। आप नारायण मंदिर में चले जाओ, लक्ष्मी नारायण मंदिर में चले जाओ तो वो चरणामृत मिल रहा है, पंचामृत नहीं है। पंचामृत दूध दही घी शहद शक्कर इनको मिलाकर जो बनाया गया है वो पंचामृत है। पंचामृत और चरणामृत लेने का तरीका होता है अपना अपना। लेते हो आप लोग पंचामृत लेने के बाद क्या करते हो? हाथ को सिर पे चढ़ा लिया। पर शिव पुराण में तो ऐसा लिखा ही नहीं। शिव महापुराण में लिखा है पंचामृत जो भगवान के स्नान का जल है कि नहीं? पंचामृत जो भगवान ने स्नान करा है वो भाग है, स्नान का जल। और चरणामृत जो भगवान के चरण का जल है, चरणोदक। शास्त्र कह रहा है शिव महापुराण में सूत जी शौनक जी को वर्णन करते हैं कि पंचामृत लेने के बाद में आप कभी भी हाथ को सिर पर मत चढ़ो, कभी भी पंचामृत लेने के बाद में हाथ को हृदय से लगाओ। क्यों? क्योंकि ये भगवान की स्नान का जल है। भगवान की स्नान की झांकी हमारे हृदय में होना चाहिए, ना कि हमारे सिर चढ़ना चाहिए। भगवान के हृदय की झांकी हमारे हृदय में हो, इसलिए पंचामृत लेने के बाद में हृदय से लगाओ और चरणामृत लेने के बाद में हाथ सिर से चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों का जल जब मेरे सिर पर लगेगा तो मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो जाएगा, इसलिए चरणामृत सिर पर चढ़े, पंचामृत नहीं। पर कई कई लोग तो सत्यनारायण जी की कथा में से आए, पंचामृत मिला वो भी लेके सिर पे पोछ लिया तो मालूम पड़ जाए कि दही सिर पे लगा है तो सत्यनारायण की पोथी से आ रही है, कथा में से आ रहे पंचामृत लग लेने के बाद हृदय से हाथ लगाइए। ये हमारे भगवान के स्नान की झांकी है, भगवान के स्नान कराए उसकी झांकी का दर्शन हमारे हृदय में सदा विराजमान, हमारे नैनों में विराजमान, हमारे हृदय में।